नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास मेला और इस समय मौजूद है करनाल एसपी ऑफिस में और करनाल के घरोंडा थाना से एसएचओ मोहनलाल हमारे साथ मौजूद और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम कैमला गांव में था, वहां पर जो किसान पहुंचे थे और प्रोग्राम को रद्द करवाया गया, हेलीपैड को उखाड़ा गया, टेंट को उखाड़ा गया, कई जो किसान है लगभग जो बताया जा रहा करनाल पुलिस के द्वारा 800 से 900 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ घरोंडा थाना से एसएचओ मोहनलाल मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास। सर, क्या कहेंगे जो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था कैमला गांव में, वहां पर किसान पहुंचे और प्रोग्राम नहीं हो पाया और काफी वहां पर तनावपूर्ण स्थिति रही, क्या पूरा मामला और कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? इसमें कल रैली के दौरान कुछ लोग जो शरारती तत्व थे वो मौके पे जैसे हमारे नाकों को तोड़ते हुए, हमारे मुलाजमों को चोटें पहुंचाते हुए और पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हुए वहां तक पहुंच गए थे। उन शरारती लोगों के खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज किया है और उनके खिलाफ जो भी एविडेंस है वो अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं। जिस जिस की उसमें प्रेजेंस मिलेगी, जो जो लोग उसमें मिलेंगे वीडियोस में या और अन्य तरीके से जो भी एविडेंस है, उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ सर? करीब 800-900 अननोन आदमी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो बाई नेम के कुछ नाम मामले दर्ज? बाई नेम भी हैं कुछ लोग। तो किन नेताओं का, कोई किसी का नाम? नेता ये जो वीडियो के जरिए इन्होंने एक इकट्ठे होने का वो जो मैसेज दिया था, चढ़ूनी है इनका जो नेता, जो प्रदेश के खिलाफ, जी जी, उनके खिलाफ बाई नेम मामला दर्ज, उनके खिलाफ बाई नेम है। और नेताओं के इसके इनके अलावा भी कई बाई नेम है, जो जो जिन जिन का हमें पता लग गया वो बाई नेम है, बाकी की जो एविडेंस है, जो वीडियोज हैं, वो सारी कलेक्ट करके जो जो जिनके नाम सामने आएंगे सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वीडियो से निकाले जा रही है, उनसे जानकारी ले जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें कलेक्ट की जा रही है। तो अज्ञात बाकी अज्ञात व्यक्ति बाकी अज्ञात के खिलाफ। तो हमारे साथ घरोंडा थाना से एसएचओ मोहनलाल मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम करनाल के जो कैमला गांव में होना था और वहां पर जो काफ़ी संख्या में जो किसान वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद जो वहां पर जो उपद्रव किया गया और उसमें काफ़ी जो किसान हैं वो वहां पर पहुंचे थे और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम वहां पर रद्द हुआ, जिसके बाद जो आज करनाल पुलिस से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 800 से 900 लोगों के खिलाफ जो फिलहाल करनाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया और 800 जो किसान हैं जिनके अज्ञात किसान उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और जो किसान नेता उनके नाम बाय नेम जो मामले दर्ज किए गए हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनिया उनके द्वारा एक वीडियो जारी कर संदेश किसानों को दिया गया था कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का प्रोग्राम नहीं होना उसी के आधार पर उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया, उकसाने का मामला दर्ज किया गया और उसके बाद जो अन्य जो किसान थे करनाल जो टोल प्लाजा पर किसानों के नेता जो अगुवाई कर रहे थे उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए और इसी के साथ साथ जो अन्य किसान जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके खिलाफ लगभग 800 से 900 जो किसान हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। हम आपको बता दें कि जो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल के कैमला गांव में पहुंचना था और वहां पर जो किसान काफ़ी संख्या में पहुंच गए, जिसके बाद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं उतरा, जिसके बाद किसानों के द्वारा हेलीपैड को उखाड़ दिया गया था और जो वहां पर टेंट लगा था उसको तोड़ दिया गया था, जो सरकारी संपत्ति थी वो सभी वहां पर तोड़ दी गई थी, जो पंडाल वहां पर बनाया गया था उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था, जिसके बाद जो वीआईपी वहां पर मंत्री पहुंचे थे, जो वीआईपी लोग थे उन्हें निकालने में करनाल पुलिस को काफ़ी कड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी थी। हालांकि करनाल पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का वहां पर प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद उन्होंने वहां पर पूरे जो पंडाल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। उसके बाद करनाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करनाल में 800 से 900 किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए हैं और उन्हीं में जो कई नेता हैं उनके बाय नेम नाम हैं सामने आए और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया और देखने वाली बात होगी कि करनाल पुलिस कब तक जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करती है और जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है उनको हिरासत में लेती है या इसी तरह से आंदोलन आगे लगातार चलता रहेगा और जो किसान आंदोलन से जुड़ी करनाल की हर खबर आप तक पंजाब केसरी टीवी से पहुंचाने की हर संभव प्रयास करेंगे। करनाल से विकास मेला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।